अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 रजिस्ट्रेशन जी। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आज आपकी डेट हो चुकी है 1 नवंबर 2019। तो दोस्तों आज की हम बड़ी अपडेट देखने वाले। सबसे पहले दोस्तों आप लोग आवेदन कैसे कर पाएंगे, देखिए आपके लिए ढेर सारी अपडेट्स आज हम लेकर आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जनरल गाइडलाइंस देखेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे लगेगा उसको देखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फिर वेरीफाई रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फिर दोस्तों फिल एजुकेशन एग्जाम डिटेल्स दोस्तों आपको डालना रहेगा, पासवर्ड दोस्तों आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अपना एड्रेस, घर का फोटोग्राफ और प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद कोई दिक्कत आती तो आप यूपी टेट 2019 साइन इन आप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीपी, तो वन टाइम पासवर्ड दोस्तों डालना रहेगा जो आपके फोन नंबर पर आएगा। रजिस्टर्ड फोन नंबर पर आपको यहाँ कैप्चा डालना रहेगा और लॉग इन करना रहेगा, ठीक है। तो मतलब दोस्तों जब आप पहला साइन अप कर देंगे ना, उसके बाद दोस्तों आपको तुरंत ही वन टाइम पासवर्ड भेज दिया जाएगा, ओटीपी वाला प्रोसेस। तो इस वेबसाइट से हम बहुत ही परिचित हैं, क्योंकि अभी दोस्तों कुछ दिन पहले जो डीएलएड 2019 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था वो इसी वेबसाइट के माध्यम से हुआ था। तो दोस्तों इस वेबसाइट को हम बहुत ही बारीकी से जानते हैं, तो कैसा होगा सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक चीज और, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक आपको शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में, आवेदन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले करें आवेदन। तो दोस्तों हमने आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, लेकिन वीडियो को देखने के बाद ही आप आवेदन के लिए जाइएगा, क्योंकि अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने वाले इस वीडियो में, जिन बातों का आपको रखना है ध्यान। और एक बात और दोस्तों महत्वपूर्ण, कि डीएलएड और बीएड के किन छात्रों को मौका है। अगर आप डीएलएड बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं या दोस्तों आप लोग बीएड के छात्र हैं, तो किन बच्चों को मौका मिलेगा इसको भी आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि दोस्तों हर एक बच्चे को मौका मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ बच्चों को मिलेगा। पेपर का स्तर होगा कठिन, तो दोस्तों पेपर कठिन हो या सरल हो, लेकिन हम तो यूपी टेट के फैन है, तो दोस्तों यूपी टेट तो डालेंगे, ठीक है। उससे कोई दोस्तों हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपी टेट में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होता है दोस्तों, जैसे कि कुछ होते हैं ना आपके बाइक्स होते हैं टॉप स्पीड वाले होते हैं स्पोर्ट्स बाइक जैसे, तो वैसे यूपी टेट भी दोस्तों आपका एक स्कोरिंग पेपर है, जिसमें आप लोग आसानी से 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 120 से लेकर 140 तक भी जा सकते हैं। और इस बार एक बात अच्छी रही कि दोस्तों जो पिछले सालों में बेमतलब के ऑब्जेक्शन होते थे, इस बार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करने के लिए ₹500 देने पड़ेंगे। तो दोस्तों कोई बच्चा नहीं रहेगा यार बेमतलब के ऑब्जेक्शन इस बार नहीं होंगे, तो अच्छी खबर है। उसके बाद दोस्तों यूपी टेट ऑनलाइन अप्लाई, टेट 2019 के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहा है, संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही इस बार फॉर्म भरते वक्त सर्वर डाउन होने की समस्या नहीं आएगी, तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है ऐसा। दोस्तों देखिए जो आप लोग के आवेदन होते हैं ना, वो 100-200 में नहीं होते हैं, 1-2 लाख में नहीं होते, बहुत ही लाख में, तो मिलियंस में होते हैं। तो सर्वर तो डाउन होके रहेगा, क्योंकि इस वेबसाइट में दोस्तों हमने देखा था लास्ट टाइम क्या होता है ना, ओटीपी नहीं आ रहा था बच्चों के फोन पर, जब 2019 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब, जबकि छात्रों ने बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन किया था। आपको तो पता है इस बार डीएलएड 2019 की हालत क्या है, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तब थोड़ी वो साइट डाउन हो रही थी। तो जब यूपी टेट के बच्चे एक साथ आएंगे ना मैदान में, फिर तो वो साइट डाउन करा के ही छोड़ेंगे। दोस्तों यहां से कर पाएंगे सबसे पहले आवेदन, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की न्यूज़पेपर की खबर, क्या है आज पेपर में, क्या खबर निकली आज। टेट 2019 के लिए आज से आवेदन हो रहे हैं शुरू, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के 2019 संस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर दोस्तों शुक्रवार दोपहर 4 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज को 15 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन का अनुमान है। बड़ी संख्या में आवेदन के कारण सर्वर की समस्या ना हो, इसके लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। इस बार अलग सर्वर पर आवेदन लिए जा रहे हैं, ताकि वेबसाइट हैंग होने से या बीच में बंद होने की समस्या ना हो। पहले यूपी डेस्को के सर्वर पर आवेदन लिए जाते थे, पिछले साल कई दिन तक सर्वर डाउन था। देखिए दोस्तों वही बात हम कर रहे हैं कि कई दिनों तक आपका सर्वर डाउन रहता था, जिसके चलते आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ी थी। सचिव अनिल भूतर चतुर्वेदी ने बताया कि एनआईसी की टीम ने तकनीकी रूप से पूरे इंतजाम किए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के दौरान कोई समस्या ना हो। ऑनलाइन पंजीकरण 1 से 20 नवंबर तक होंगे निर्धारित।
माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर, जबकि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण एवं आवेदन प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाओं में संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट्स आपके लिए यही रहेगी, हमको पता है, लिख के ले लीजिए दोस्तों। आज हम वीडियो भले बना रहे हो आपके लिए, लेकिन इस बार भी हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो गलती करके आएंगे। हजारों बच्चों से गलती हो जाती है दोस्तों, ना चाहते हुए भी छोटी छोटी मिस्टेक सबसे होती है। तो लेकिन कोशिश करिएगा कि आपसे गलती ना हो पाए, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपसे गलती हो जाती है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो हम यही कहेंगे आपसे दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका फाइनल आवेदन ही स्वीकार होगा जिसमें आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हो तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं भाई, कब कब क्या होगा। कल दोस्तों विज्ञापन का प्रकाशन कल हमारा 31 तारीख को हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन तिथि दोस्तों आज से आपकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि याद रखना 20 नवंबर। अगर दोस्तों आपने 20 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 21 को दोस्तों आप उस आवेदन का शुल्क नहीं जमा कर पाएंगे। 21 को वही बच्चे शुल्क जमा करेंगे 21 नवंबर वाले में, जिन्होंने 20 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों आवेदन पूर्ण करके करने एवं आवेदन पूर्ण आवेदन प्रिंट का लेने का ये सब अंतिम तिथि आपका 22 नवंबर है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात होगी वो दोस्तों बात होगी प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की विज्ञप्ति दोस्तों 22-12 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण डेट हो सकती है आप लोगों के लिए। और दोस्तों उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका 22 तारीख को पेपर है। देखिए यूपी टेट परीक्षा तिथि 22 दिसंबर 2019, समय दोस्तों 10 बजे से लेकर 12:30 तक। प्रथम पाली द्वितीय पाली दोस्तों होगा आपका 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो ये सब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद दोस्तों आपको 21 जनवरी 2019 संशोधित उत्तरमाला मूल्यांकन करके परीक्षा फल घोषित करने की तिथि है दोस्तों, ठीक है। तो इस दिन आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो भाई खुशखबरी, 21 को रिजल्ट आ रहा है। अब दोस्तों चलिए पैसा देख लेते हैं, कितना पैसा कहाँ पर आपको देना पड़ेगा यूपी टेट का। अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो कितना कैसे पैसे देना है। अगर आप लोग सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल या ओबीसी से आते हैं तो आपको पेपर वन के लिए 600 रुपए, और दोस्तों अगर दोनों पेपर देते हैं पेपर वन और टू तो आपको दोनों के लिए 1200 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे एक दे रहे हैं उनको सिर्फ 600, चाहे पेपर वन दीजिए या पेपर टू दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे अनुसूचित जाति या एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी से आते हैं आप लोग, तो 400 रुपये देना पड़ेगा सिर्फ एक पेपर के लिए। अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 800 रुपये। अगर विकलांग श्रेणी के बच्चे आप हैं तो एक पेपर के लिए 100 रुपये, दोनों के लिए 200 रुपये। तो दोस्तों ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। जो अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्र पेपर वन, पेपर प्रथम ये सब और द्वितीय पेपर इसके लिए देना चाहते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। परंतु अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा के दर से निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। एक और अच्छी खबर दोस्तों जो हमने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, कि अब आपको सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र मतलब एक ही फॉर्म में आप दोनों टिक कर देंगे कि भाई हमें पेपर वन भी देना है, टू भी देना है, बात खत्म। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आपको पेपर टू के लिए अलग से फिर से आप लोग अपना नाम डालें, पिता का नाम डालें, माता का नाम डालें, इतना लंबा हो जाता है, एड्रेस डालो, कोई मतलब नहीं होता उसका, कि दिक्कत भी होती है। तो दोस्तों आपको एक में ही मौका मिल जाएगा तो कितनी अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, तो आपका भी समय बचेगा। और जो साइबर कैफे में आप डबल पैसे देते थे, अब सिंगल पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए फोटोग्राफ के लिए क्या इंस्ट्रक्शन थे, देखिए यहाँ पर देखिए आप जरा, जो आपकी फोटो होगी वो जेपीजी फॉर्मेट में होगी। देखिए आप लिखा फोटो इन जेपीजी। अब दोस्तों जो विड्थ रहेगी वो 3.5 ये सब देखिए दे रखा है, और ये हाइट रहेगी दोस्तों आपकी 4.5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो सिग्नेचर की देखिए क्या और याद रखेंगे, जो आपकी दोस्तों फोटो की साइज रहेगी वो 20 KB तक होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 2 KB से लेकर 10 KB के बीच में होना चाहिए। ये सब में दोस्तों आपसे गलती ना होने पाए, ये महत्वपूर्ण बात होती है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, किन बच्चों को मौका मिलेगा किन बच्चों को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में आवेदन हेतु शैक्षिक पात्रता, देखिए दोस्तों प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता मतलब कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था 2 वर्षीय डीएलएड का कोर्स या बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
देखिए यहाँ साफ साफ दोस्तों लिखा है कि 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले छात्र या उत्तीर्ण छात्रों को ही मौका है। ठीक है, या तो आप अंतिम वर्ष में होने चाहिए या तो आप पास हो चुके होंगे तब मौका मिलेगा। ठीक है, इस बात को बहुत ही आप सीरियसली लेंगे, बेमतलब का अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपके सिर्फ पैसे ही बर्बाद होंगे। हम दोस्तों चाहते हैं कि यार आपके 600 रुपए 400 रुपए क्यों बर्बाद करना है, आपको कोई मतलब नहीं यार, पैसे मेहनत से आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए 400 600 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप अमीर हैं थोड़े बहुत, कहने का मतलब यही है, तो आप लोग इसका आवेदन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। देखिए दोस्तों सभी के लिए, किसी भी कोर्स में अगर आप हैं तो आपको दोस्तों सभी को, देखिए अगर आप डीएड का कोर्स कर रहे हैं, देखिए 2 वर्षीय डीएड, या तो अंतिम वर्ष में शामिल हो या उत्तीर्ण हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखिए शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी सभी बच्चों के लिए इतना तो कंडीशन है, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं या पास हो चुके हैं तो आपको दोस्तों मौका दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप शुरुआत में हैं तो अभी आपको किसी को मौका नहीं दिया गया, आप सब में देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बीएलएड का कोर्स है दोस्तों, उसमें भी अगर आप अंतिम वर्ष में हो या उत्तीर्ण होंगे तभी आपको मौका दिया जाएगा। अब कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बीच में भाई किन बच्चों को मौका मिलेगा, इसमें भी दोस्तों वही बात है, 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो दोस्तों काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं डीएलएड के या बीटीसी के, कि उनको कक्षा 6 से 8 में मौका दिया जाएगा या नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो हम लोग लेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे पास हो, और दोस्तों उम्मीद है कि 15 लाख से अधिक आवेदन हो गए या 20 लाख तक आवेदन हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल अथवा उत्तीर्ण, यही सब दोस्तों है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। तो देखिए क्या और है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों के छूट की अनुमति होगी। ठीक है, इस बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, और ये सब दोस्तों ध्यान में रखना है, और कुछ तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, ये सब हमने देख लिया कि आप लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे, ऑनलाइन सब कुछ क्या है। तो बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, आज ये वेबसाइट दोस्तों इतनी भी खराब नहीं, जो लास्ट टाइम ये वेबसाइट थी दोस्तों वो ज्यादा सर्वर से डाउन होती थी। ये वेबसाइट है दोस्तों, इसमें बच्चों ने आवेदन तो किया था लेकिन खाली ओटीपी वाली दिक्कत हमें दिखी थी, बाकी वेबसाइट दोस्तों कभी ऐसा नहीं था कि वर्क ना कर रही हो, तो वर्किंग में हमेशा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज आपका 1 नवंबर की जो तारीख हो, नवंबर में आप दोस्तों आप एक इतिहास लिख सकें, क्योंकि अब आपकी असली अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है यहाँ से। क्योंकि दोस्तों इतने सालों की आपकी मेहनत है, आपने या डीएलएड खत्म करने के कगार पर आ चुके होंगे या तो आप पास कर चुके होंगे, अब आपका मौका होगा कि हमें नौकरी कैसे मिल सकती है। देखिए अगर आपको नौकरी चाहिए ठीक है ना, तो आपको अब मेहनत करना पड़ेगा, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, जो समय के साथ नहीं बदलता उसका कोई मतलब नहीं है। आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, इसका मतलब है दोस्तों कि आप समय के साथ अपडेट होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दिक्कत पता है क्या है, एक ही आप समझना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में रहते हो या किसी भी देश में रहते हो, दिक्कत सबके सामने एक ही आती है, तैयार करके आप सब कुछ जाते हैं पेपर में लेकिन भूल जाते हैं। तो दोस्तों भूलने की समस्या से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, अगर आप तैयारी अच्छी नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको ही दिक्कत आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अब दिन रात एक कर दीजिए, जितना समय हो अच्छी से अच्छी कोशिश करिए, और दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो आपको पेपर की तैयारी से संबंधित, तो दोस्तों आप लोग हमसे पूछ सकते, तो दोस्तों उसका हम कमेंट करके आपको रिप्लाई करेंगे बहुत ही जल्द, जो आपके कमेंट्स आते हैं। देखिए दोस्तों हमारा चैनल करता क्या है, आपके जो कमेंट्स आते हैं भले आपके कमेंट्स के रिप्लाई ना हो पाए, लेकिन दोस्तों हम आपके कमेंट्स के वीडियो जरूर बनाते हैं, जो आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हम उसको सीधे वीडियो के माध्यम से ही आपको एक्सप्लेन करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं दोस्तों कमेंट पर जाके एक एक बच्चों को रिप्लाई करें, वीडियो के माध्यम से आपको समझ में भी अच्छा आता है और सब कुछ करते हैं। तो दोस्तों बस थोड़ी देर में इस वीडियो के बाद ही आपको एक मिल जाएगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम आपको सिखा देंगे। एक अच्छी खबर है दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है कि कैसे, कुछ नहीं, आपसे गलती ना होने पाए दोस्तों, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन आवेदन करना भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और बेस्ट ऑफ लक सब दोस्तों, और जल्दी से जाइए, कमेंट बॉक्स में दिया गया लिंक है उससे आप लोग ऑनलाइन अपना आवेदन शुरू करें। ठीक है, जो लिंक है दोस्तों वो कहाँ पर दिया गया आपको, कमेंट बॉक्स में जाइए और आवेदन करिए। बेस्ट ऑफ लक।